वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम धनी सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो धनी सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते 43.55 पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था धनी सर्विसेज फ्राइडे के दिन में। यानी कि देखा जाए तो धनी सर्विसेज में क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही टाइम है, क्योंकि बहुत सी गिरावट देखने को मिले। लास्ट का यहाँ पे आप देख सकते कि 1 ईयर की बात की जाए तो देख सकते हो कि कैसे गिरावट देखने को मिले लास्ट 6 मंथ में। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते 200 लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करने वाला स्टॉक रिसेंटली देख सकते 50 के नीचे ट्रेडिंग कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो देख सकते हो कि बहुत से 77% की गिरावट देखने को मिले और रिसेंटली देख सकते हो कि स्टेबल है यहाँ पे 50 के नीचे 40 लेवल यहाँ पे लास्ट होप रहेगा, क्योंकि उस लेवल पे लास्ट मंथ में भी सपोर्ट लिया गया था, तो उस लेवल पे सपोर्ट लेने के चांसेस दिखाई दे सकता है धनी सर्विसेज स्टॉक। मोस्ट इंपोर्टेंटली यहाँ पे बातें देखी जाए धनी सर्विसेज स्टॉक की, न्यूज भी देखी जाए तो लेटेस्ट कोई न्यूज यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखाई देगी धनी सर्विसेज स्टॉक के अंदर। पर चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो लास्ट मंथ में देख सकते हो कि 40 लेवल पे सपोर्ट लिया गया था, तो ऑयल जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव एक्ट हो सकती है नीचे आता है धनी सर्विसेज स्टॉक पर। रिसेंटली देख सकते हो कि बहुत ही वीक नजर आ रहा है, तो नीचे आने के चांसेस तो दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे सपोर्ट 1 भी है इस मंथ का। तो इन्वेस्टमेंट के लिए देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इंट्रेंसिक वैल्यू में इंसफिशिएंट डाटा है, आरओआई बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न दे रहा था ये स्टॉक, डिविडेंड ऑफर नहीं कर रहा था, पर एंट्री करने के लिए अभी भी एक अच्छा मौका है स्टॉक के अंदर, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ओवरऑल जोन में नहीं है। नो रेड फ्लैग्स आने की देख सकते हो कि स्टॉक एसएम लिस्ट में नहीं है और प्रोमोट होल्डिंग में ज्यादा शेयर्स प्लेज नहीं है। तो बेसिक के साथ प्रोसीजर देखे जाए तो प्रो में देख सकते हो जो आने वाले 12 महीनों में जो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है वो हाई रहने के चांसेस है। क्वालिटी चेक्स की बात की जाए तो इनसफिशिएंट डाटा है और ग्रोथ स्कोर की बात की जाए तो पुअर परफॉर्मेंस है ग्रोथ स्कोर में भी। तो स्मॉल कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप में गिरावट बहुत सी देखने को मिले, पर रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क में करंटली स्टॉक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ट्रेंड देखा जाए तो पिछले 3 सालों में देख सकते हो प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिले। इस साल भी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सी गिरावट देखने को मिली थी प्रॉफिट में और उसी के साथ रेवेन्यू भी इतना खास नहीं दिखाई दिया। तो ये लेटेस्ट अपडेट धनी सर्विसेज स्टॉक के लिए।